अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आईटीवी ग्लोबल। मैं हूं इरफान मकसूद, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्रेंड्स, आज हमारा तीसरा पार्ट है अर्थिंग के बारे में, सोलर सिस्टम और अर्थिंग, बल्कि इलेक्ट्रिकल अर्थिंग। चाहे सोलर सिस्टम की हो, चाहे आपके घर की जो इलेक्ट्रिकल है, चाहे किसी भी फैक्ट्री की, इंडस्ट्री की, किसी भी सेंटर की, हमने बेसिकली इसमें सीखना है कि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने अर्थिंग को टेस्ट कैसे करना है। एक इसमें पहले हम सोलर रेजिस्टिविटी टेस्ट करने का फ्लूक मीटर जो होता है उसके साथ इसको एक जायजा लेंगे कि आप कैसे कर रहे हैं, और दूसरा हमने एक देसी तरीका देखेंगे कि आपने कैसे टेस्ट करना है जिससे कोई भी इंसान टेस्ट कर सकता है, आपको इसके लिए किसी इलेक्ट्रिशियन, किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं पेश आएगी। तीसरा तरीका मीटर के साथ, वोल्ट मीटर के साथ चेक करने का। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आपने यकीनन इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा, लाइक तो करेंगे ही, सारी बातें आपके लिए एफर्ट की जा रही है तो आप इनकरेज करने के लिए लाइक करेंगे। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई किसी किस्म का भी सोलर सिस्टम के बारे में, सोलर के बारे में, जनरली किसी भी चीज़ के बारे में, इलेक्ट्रिकल से प्रेरित होने वाली चीज़ें, तो उन आप कमेंट में जाके कमेंट करें, आपको इसका जामे किस्म का जवाब दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस काविश के नतीजे में हमारी आखिरी मंजिल आसान करें, हमारी जिंदगी में आसानियां पैदा करें, रिज़्क़ हलाल दे और बेबाह दे। और खासकर जितने भी मुसलमान वफात पा चुके हैं, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको और देखने वाले या मेरे चैनल के सब्सक्राइबर के जो वाकई वफात पा चुके हैं उनको, और खासकर मेरे वालिद मरहूम, अल्लाह ताला इनको जन्नत अल फ़िरदौस में आलम क़यामत फ़रमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो फ्रेंड्स, अभी हम शुरू करते हैं कि ये जो हमने अर्थिंग, हम पहले सॉइल की जो है रेजिस्टिविटी है उसको चार तरीके हैं उसको टेस्ट करने के। एक स्टेकलेस टेस्टिंग है, एक उसकी है सिलेक्टिव टेस्टिंग है, और एक उसकी है सॉइल रेजिस्टिविटी टेस्ट है।
हमने बेसिकली सॉइल की रेजिस्टेंस चेक करना सीखी है, एक उसका मैंने ओवरव्यू आपका दिया है, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ये कहने के कोई फैक्ट्री लेवल के ऊपर होती है जहाँ बहुत से आरआरडी उनके पास इंजीनियर मौजूद होते हैं, लेकिन एक जनरल मैंने आपको व्यू दे दिया। अब हम आ जाते हैं कि हमने चेक करना है कि जो हमारी आरआरडी जो हमारी हमने अर्थिंग की हुई है क्या वो इफेक्टिव है, या उसका क्या लेवल है, या हमने जो कर चुके हैं जो हमने बाहर से टीम मंगवाई अर्थिंग वाले बंदे मंगवाए क्या के वो हमसे अच्छे खासे पैसे भी लेके चले गए, क्या वो हमारा काम ठीक हुआ कि नहीं हुआ, कोई 25-30 हज़ार 50 हज़ार मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ पिंडी इस्लामाबाद में अगर आप प्रॉपर करें तो ये लाखों पैसे भी ऊपर जाता है, बाकी इलाकों में 10-20 हज़ार 30 हज़ार तक ये इसका खर्चा आता है जो बोर वाले आके लेके जाते हैं, बाकी मटेरियल आपका होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए अगर आप एंड यूजर हैं, मतलब आपने खर्चा किया तो आपको क्या तरीका, आपने एक बल्ब ले लेना है, जैसे ये फॉर एग्जाम्पल ये बल्ब है, बल्ब होल्डर है, इसके अंदर 100 वाट के 200 वाट का बल्ब लगा ले, 100 वाट का भी लगा ले, और ये एलईडी बल्ब नहीं लगाना आपने, ये आम दूसरा बल्ब लगाना है जो पहले आता था। इस बल्ब को लगा के दो तारे आप निकाल के उनको आगे से छील लेना है, जैसे मैंने आपने छील ली है तो इनको आपने छील लेना है, छील के आप अगला हिस्सा आपने क्या करना है, अपनी सॉकेट के अंदर जो आपकी सॉकेट होती है, नॉर्मल मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई सॉकेट पड़ी हो तो पीछे आप पिक्चर में देखें, पिक्चर में जैसे आपको सॉकेट नजर आ रही है उसके अंदर आपका ये एक रेड है, ये नॉर्मली फेस में लगाया जाता है, फेस आपका राइट साइड पे होता है, आप दीवार के ऊपर आपकी जो सॉकेट लगी जो आपका राइट साइड है वो आपका फेस होगा और दूसरा आपका न्यूट्रल होगा। इसी तरह वायरिंग है, अगर आपकी वायरिंग नहीं है तो आप टेस्टर के साथ चेक भी कर सकते हैं, जिसमें टेस्टर आपका ग्लो करेगा वो आपका फेज होगा। तो आपने ये फेज के अंदर लगाई और ये न्यूट्रल के अंदर लगाई, बल्ब आपका ये जो ग्लो होना चाहिए आपका बल्ब ऑन हो जाना चाहिए और फुली ऑन होना चाहिए अगर आपके प्रॉपर वोल्टेज आ रहे हैं, अगर फुली नहीं आ रहा है तो आप वोल्ट मीटर के साथ आप मीटर अपने वोल्ट चेक करें कि आपके वोल्टेज कम तो नहीं आ रहे, वोल्टेज अगर 220 से 240 के दरमियान आ रहे तो आपके वोल्टेज ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसके अब इस बल्ब को अब फेज के अंदर ये लगा हुआ है, न्यूट्रल आपने निकाली, निकाल के आपने अर्थ के ऊपर दे दी, जो तीसरी पिन होती है आपकी सॉकेट के अंदर तो वो अर्थ की होती है, ये कई दफा ऊपर होती है कई दफा नीचे होती है, ये डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म की लगाई है, जो तीसरी पिन है वो अर्थिंग के लिए। अब उधर लगाना है आपने, अगर इसके साथ बटन ऑन ऑफ बटन है सॉकेट को ऑन करने के लिए तो बटन ऑन करना है दोनों केसेस में, जब आपने न्यूट्रल फेज में लगाया था तब ऑन करना है, जब अब ऊपर आपने लगा के ये आपने अर्थ में लगाना है ये फेज में लगाना है और बटन ऑन करना है, करंट लगने से बचाना है अपने आपको, ठीक है। तो ये आपने आपका बल्ब अब फुल ग्लो होना चाहिए, अगर फुल ग्लो होता है कोई मसला नहीं तो इसका मतलब आपकी अर्थिंग ठीक है, लेकिन अगर ये कम ग्लो होता है कंपैरेटिवली कम होता है तो क्या है कि आपका इसका मतलब अर्थिंग का प्रॉपर नहीं है, वो प्रॉपर उसके में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो या तो उसका आपका केमिकल वाश आउट हो गया है या उसके अंदर मॉइस्चर कम है, कोई भी रीज़न हो सकती है, तो इसके इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है आपका बिल्कुल भी या तो बिल्कुल अगर बल्ब ऑन नहीं हो रहा तो उससे पता चलेगा या तो वो ब्रोकन है या हो सकता है कि आपकी सॉकेट में अर्थिंग लगी ही ना हो, तो ये भी हो सकता है, आपके बहुत से घरों में हमारी अर्थिंग नहीं होती, तो आपने अगर चेक करनी हो तो ये इस तरीके से भी कर सकते हैं तो अर्थिंग नहीं होगी। तो यह तीन तरीके, तीन मतलब इससे आपको तीन रिजल्ट है, बल्ब फुल ऑन हो गया तो आपकी अर्थिंग ओके, पार्शली ऑन हुआ कम ग्लो हुआ इसका मतलब यह है कि ये आपकी अर्थिंग अभी मसला कर रही है, ये प्रॉपर अर्थ नहीं दे रही, अगर बिल्कुल ग्लो नहीं हुआ तो इसका मतलब या तो अर्थिंग नकारा हो गई है या इसमें अर्थिंग है ही नहीं, तो ये आपका देसी तरीका है, इसे आप अपने घर में चेक कर सकते हैं। अगला तरीका जो है वो है हमारा वोल्ट मीटर का, इस तरह का आपने वोल्ट मीटर ले लेना है, ये वोल्ट मीटर इसके अंदर दो प्रॉब्लम है, ठीक है, वोल्ट मीटर ले लिया दो इसके अंदर प्रॉब्लम है, एक आपने लगा देनी है ये कॉमन के ऊपर और एक आपने लगा देनी है वोल्ट के ऊपर, जहां वोल्ट लिखा साथ में एम्पेयर भी लिखा होता है साथ में कुछ और भी निशानात बने होते हैं, लेकिन जहां वी बना होगा वहां आपने लगाना है, तो सिंपल वोल्ट मीटर होगा तो वी लिखा होगा, जहां कुछ भी नहीं लिखा होगा वी तो लिखा ही होगा, यहां कॉमन लिखा होगा, तो ब्लैक ये आपका इधर उधर हो सकता है, आपने पढ़ के लगाना है, ठीक है, ये आपने पढ़ के लगाना है और इसको आपने सेलेक्ट करना है वोल्टेज की जो 500 या इससे ज्यादा की वैल्यू के ऊपर। अब इसमें 500 वोल्ट तक है एसी और एसी और डीसी भी इसमें होते हैं, आपने जो मल्टीमीटर होता है उसमें काफी सारे फंक्शन होते हैं, आपने अपनी इसमें देखना है इसके अंदर ये जो सिंबल बना होता है, ठीक है, तो इसके साथ वो ऐसे अलमद्दा साहब उर्दू में कहते हैं ऐसे लहर सी बनी होती है ऐसी की, ठीक है, इसी का साइन वेव बना होता है, उसके ऊपर आपने इसको रखना है, वो रख के आपने क्या करना है कि इसको अब आपने उसी तरह जैसे आपके आपने सॉकेट में लगाया था बल्ब लगाया था नॉर्मली जैसे बल्ब लगाते हैं या हम कोई चीज़ लगाते हैं इसी फ्रिज पंखा जो भी कोई चीज़ लगाने के लिए हम सॉकेट में लगाते हैं दो पिन वाली, तो आपने फेज और न्यूट्रल में ये लगा देना और हमने वोल्टेज मेजर कर लेने, जैसे हमने इसमें मेजर किया हमारे आपको हमने फॉर एग्जाम्पल ये 230 वोल्ट आ रहे हैं, आपने अपने देख लेने 220-240 जो भी आते हैं वो आपने नोट कर लेने, तीसरा ये नोट करके आपने फिर आप अब आपने ये अपनी जगह पर लगा रहने देना, ये अपना न्यूट्रल वाला निकालना है ये आपने अर्थ में लगा देना है एक फेज में एक अर्थ में, एक फेज में एक अर्थ में याद रखें, तो ये लगा के आपने वोल्टेज चेक कर लेने हैं, जैसे हमारे वोल्टेज आ रहे हैं हमने एक एग्जांपल के तौर पे 231 वोल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारी अर्थिंग ये ठीक है। अब आपने क्या करना है इसको नोट डाउन कर लिया, नोट डाउन करके अब आपने ये जो आपका अर्थ पे लगो इसको निकालें, ये फेज पे जो लगा इसको निकाल के न्यूट्रल में डाल दें, ठीक है, न्यूट्रल में डाला, अब आपने वोल्टेज मेजर करना है, ये वोल्टेज बहुत कम आएंगे, ये 0.5 वोल्ट जैसे हमारे यहाँ क्योंकि इसमें फेज शामिल ही नहीं हो रहा, तो आपने ये कर लेना, अब आपने करना है इसको कैलकुलेट करना है, अब हमने जो हमारे वोल्टेज आए थे फेज टू न्यूट्रल
उसमें से माइनस करने हैं फेज टू, सॉरी हमारे फेज टू अर्थ जो आए थे वो 231 थे, माइनस हम करने हैं फेज टू न्यूट्रल, वो हमारे 230 आए थे, माइनस करेंगे तो ये हमारा 1 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो इसमें हमने प्लस कर देना जो हमारे न्यूट्रल टू अर्थ थे। ठीक है, तो न्यूट्रल अर्थ हमारे थे 0.5 वोल्ट, ये प्लस किया हमने, ये हमारा आ गया 1.5 वोल्ट। अगर ये वोल्टेज 2 वोल्ट से कम है या दो से कम है तो इसका मतलब हमारी अर्थिंग ठीक है। अगर इससे ज्यादा वोल्टेज है तो इसका मतलब ये है कि मोर देन, अगर 2 वोल्ट है तो इसका मतलब कि ये हमारे वोल्टेज ठीक नहीं है, हमारी अर्थिंग फॉल्टी है। तो फ्रेंड आई थिंक आपको ये अंदाजा हो गया कि हमने अपनी रेजिस्टेंस सॉरी रेजिस्टिविटी कैसे चेक करनी है, हमने देसी तरीके से बल्ब के साथ एक वोल्ट अर्थिंग कैसे चेक करनी है और मीटर के साथ कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने चैनल लाइक किया, आपने नहीं किया अभी कर लो। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ अपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस किया होगा और इस वीडियो को आप दोस्तों तक शेयर करें, इस कोशिश किया करें लोगों की जिंदगी में आसानियां पैदा करें। इस तरह अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके लिए और हमारे लिए आसानियां पैदा करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारी कावश है ये हमारी बख्शिश का जरिए बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड। अब अगली जो वीडियो है हमारी वो वीडियो है सोलर इन्वर्टर्स के बारे में कि हम देखेंगे 3 से 3.5 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट 6 किलोवाट तक कौन से इन्वर्टर हैं जो बगैर बैटरी के चल सकते हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा इशू है कि बैटरीज बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो हम सूरज की रोशनी से फायदा उठाने के लिए चाहते हैं कि दिन दिन के टाइम पे हम सोलर से अपने घर का सारा लोड चलाएं, तो वो उस वीडियो के लिए उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।